हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब बड़े होंगे। तो गाइस आज हम आ चुके हैं जॉर्ज पुल में। क्या ही बजड़ मचने वाली है, आप वीडियो पूरी जरूर देखिए। और भाई ये वीडियो थोड़ी बहुत लंबी होगी क्योंकि आपको भाई इस मैच में 24 किल। अब भाई जब तक कोई इवेंट नहीं आ रहा ना तो ज़्यादा किल विल मिल नहीं रहे, तो मैंने इसलिए भाई ये अब एक मैच डुओ वी स्क्वाड अनरैंक में लगा के देखा। तो भाई इस मैच में क्या ही बजड़ मचेगी आप वो देखिएगा। और पूरी वीडियो में भाई आपको आएगी 24 किल और हम लोग 500 सब्सक्राइबर तो बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। आप लोग इस बार तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, 500 सब्सक्राइबर के ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं एम। अब सबसे पहले आके हम ये संदूक खोल देते हैं। संदूक में हमें गन तो कुछ नहीं मिलती मगर मिल जाते हैं कुछ पुराने नोट। अब यहाँ से हम जा रहे होते हैं बरार वाले कंटेनर पर। अब भाई ये देखिए यहाँ पर दौड़ रहे होते हैं दो बंदे, जिसमें कि भाई एक बंदे से मेरी टीममेट की वॉल पर फसड़ हो चुकी थी, कोई सागर जाट करके था। और यहाँ भाई वो होता भी है, यहाँ पे पहला ही नॉक मेरी टीममेट ने सागर जाट को करा। अब यहाँ तक देखिए मुझे कोई गन वन तो मिल नहीं रही है, तो यहाँ पे सिर्फ चारा एक ही रह जाता है कि अपने टीममेट से गन मांग ले। अब भाई अब ये बताइएगा कि ये बंदा नॉक कैसे नहीं हुआ। नहीं, तीन से चार गोली पड़ गई, ये बंदा नॉक ही नहीं हुआ। और यहाँ से मेरी टीममेट ने मारी इसमें क्या बोलते थॉमस, तो ये सीधा नॉक हो गया। अब सिर्फ इसका एक बंदा बच रहा होता है जो सागर जाट होता है। और यहाँ पे मैं भाई अपनी गन वन उठाता हूँ और सीधा करता हूँ उस बंदे पे पुश, मगर उस बंदे के पास होती है शॉटगन। और भाई क्या ही गंदी चुटका था, मगर यहाँ पे मैं एक मेरे टीममेट पे भी चुका देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे उसने एक मेरे टीममेट के भी मार दी, मगर यहाँ पे मेरी टीममेट ने कर दिया क्लच इन सागर जाट को, दोनों को भाई लॉबी भेज दिया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई बंदा रिकॉल हुआ। हाँ भाई 40 में से सिर्फ दो गोली लगी हैं उस बंदे को, दोनों हेड। यहाँ पे तो मैं इस बंदे को नॉक कर दूँ, यहाँ पे हम लोग देखते हो रिकॉल चल रहा होता है। तो भाई यहाँ पे हम सीधा कर देते हैं पुश, हमारे पास गाड़ी तो होती नहीं है, तो यहाँ पे हम सीधा भाई पैदल कर देते हैं पुश। सबसे ऊपर आ गया अब ये देखिए हम कहां से कहां तक आ गए, मगर ना तो ये बंदा अंदर गया ना इस बंदे को रिवाइव मिला। अगर ये बंदा चाहता तो इस घर में अंदर भी जा सकता, मगर ये नहीं। तीनों भाई इसका बंदा ऊपर से कूद पड़ता और ये थोड़ा सा अंधा बंदा होता भाई, इतनी देर में इसके दो टीममेट और आ जाते पुश करने। एक बंदे को मैं नॉक करता हूँ, दूसरे बंदे को मेरे टीममेट फिनिशर है। यहाँ पे भाई अपने बुरे हो जाता है क्लच। अब यहाँ पे भाई थोड़ी बहुत लूटपाट करते हैं और हम गाड़ी लेके निकल जाएंगे और बंदों की तरफ। अब यहाँ पे ये कूप आर पे खड़ी होती है, तो सबसे पहले हम इसको उठा रहे होते हैं। भाई इतनी ही देर में पीछे से आती है एक बग्गी। रुक जा। भाई ये बंदा पता नहीं कहाँ से आ रहा होता और सीधा हम पे चढ़ाने की कोशिश करता है, और यहाँ पे हम इसको बग्गी से उतार लेते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी बहुत हम इससे बातचीत कर रहे होते भाई अपनी लूट वूट सब गिरा रहा होता, मगर ये कुछ बोल रहा नहीं होता ना, तो ये बता रहा होता इसके टीम मेट कहाँ नहीं है, ये बता रहा होता कि आ भी नहीं या नहीं। तो यहाँ पे हम इसको करते हैं फिनिश और निकल जाएंगे और बंदे ढूंढने। अब यहाँ पे रास्ते में तो हम अपनी गाड़ी वाड़ी चेंज करते हैं, सामने रिजॉर्ट में दिखता है मुझे एक बंदा। टीममेट होंगे तो देखना कितना है। अब यहाँ पे हम पहले तो इंतजार करते हैं कि इस बंदे के साथ साथ कोई टीममेट हो तो वो आए इसे बचाने, मगर भाई ऐसा कुछ होता नहीं है, उल्टा आगे की तरफ भाई फाइट छिड़ जाती है। तो हम यहाँ से इसको मार के सीधा निकल जाएंगे और बंदे ढूंढने। अब जिस बंदों पे हम पुश कर रहे हैं वो कितने बड़े कैंपर हैं आप ये देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम इस घर पे रुकते हैं और लेफ्ट में जो है ना मुझे एक बग्गी सी हल्की बहुत स्पॉट हो चुकी थी।
अब यहाँ पे आता हूँ मैं, मुझे लगता है कि बंदा शायद बग्गी में बैठा है, मगर ऐसा कुछ होता नहीं है। अब ये बंदे में बिल्कुल पीक वीक तो दे नहीं रहते, और यहाँ पे मैं कंफर्म भी नहीं था कि बंदे हैं कि नहीं है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जाके ये कंफर्म करेंगे कि यहाँ बंदे हैं भी या नहीं। अब यहाँ पे हम आते हैं भाई, ये बंदे इतना सा भी पैर वैर तो हिलाते नहीं है, तो यहाँ पे हम इन्हें छोड़ के निकल जाते हैं दूसरी तरफ जहाँ पे फाइट चल रही होती है। अब ये कितने बड़े कैंपर है, अब ये देखिएगा बहुत ही गंदा स्कैम होते रहेगा हमारे साथ। अब यहाँ जैसे हम आते हैं तो राइट से एक बॉट आता है और एक बंदा सामने से आता है। इन दोनों को तो हम नॉक वॉक कर देते हैं और फिर सीधा जाएंगे अपनी गाड़ी की तरफ, क्योंकि यहाँ से तो हमें कुछ कुछ दिख नहीं रहता। तो यहाँ से हम अब सोचते हैं सीधा जाएंगे अपनी गाड़ी की तरफ। इतनी देर में देखिए भाई, पीछे से वो जो दो बंदे थे ना आ रहे होते हैं। जिसको कि एक बंदे को तो मैं नॉक कर देता हूँ, दूसरा बंदा भाई मेरी साइड से तो एंगल था नहीं, तो यहाँ मेरे टीममेट को ये दूसरा बंदा भी स्पॉट हो चुका था। तो यहाँ पे सीधा करेंगे हम उस बंदे की पुश। अब मेरे टीममेट ने भाई एक ही खिड़की पे इतने मार्क लगा दिए कि पूछे मत। यहाँ पे बंदा तो दिखने का नाम ही नहीं, नामो निशानी नहीं है भाई। अब यहाँ पे हम अपनी एक एम बाहर निकालते हैं और ये बंदा हल्का था, मैं स्पॉट होता है, हार्ड स्कोप लेते हैं और हेड मार के उसको लॉबी भेज देते हैं। अब यहाँ से थोड़ी बहुत लूटपाट करते हैं और आपके भाई के भाई 12 किल हो चुके हैं और सीधा निकल जाएंगे अपार्ट्स की तरफ। यहाँ तक आपको वीडियो में जरा भी मज़ा आ रहा हो ना तो लाइक सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा। हम लोग भाई 500 सब्सक्राइबर तो बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, तो इस बार सब्सक्राइबर भाई 500 करवा दीजिएगा। अब यहाँ पे हम आते हैं भाई, गोली वोली चलने की तो आवाज़ आ रही थी मगर कोई बंदा दिख ही नहीं रहा था। तो यहाँ से हम सोचते हैं कि सबसे पहले तो अपनी गाड़ी वाड़ी लेके सीधा पुश करेंगे। भाई इतनी देर में मुझे लेफ्ट से एक बंदा दिखता है, जिस पे कि मैं हेड बॉडी सब मारता हूँ, ये बंदा नॉक ही नहीं होता। तो यहाँ पे सीधा हम करेंगे इस बंदे पे पुश। और यहाँ पे भाई होती है 3 बंदों की टीम, पर इतनी गंदी गाड़ी रखती है ना हमारी आगे, जिसमें कि एक बंदा इसको ऑफलाइन कर रहा है। यहाँ ये दो बंदे नॉक हो चुके, अब लास्ट बंदा बच रहा था भाई जो कि M16 लेके पता नहीं कहाँ से ही निकलेगा। यहाँ पे हमने इसको भी फिनिश कर दिया, यहाँ पे ये टीम भी भाई खत्म हो जाती है। अब यहाँ पे हम अपनी थोड़ी बहुत लूटपाट करते हैं, ये कैन वैन उठाते हैं और फिर सीधा गाड़ी लेके निकल जाएंगे और बंदों की तरफ। अब यहाँ से हम अपनी गाड़ी उठाते हैं, गाड़ी उठा के सीधा पहुँच जाते हैं यस नाया। अब यस नाया में मैं जैसे जाता हूँ तो सामने की तरफ एक बंदा दिखता है मुझे, मुझे क्या दिखता है, मेरे टीममेट को दिखता है। यहाँ पे हम एक नाकाम कोशिश करते हैं इस बंदे को नॉक करने की। भाई इतनी देर में पीछे से गाड़ी आती है जिसमें कि जाते जाते एक गोली पे तो पड़ जाती है। अब यहाँ पे मैं देख रहा था क्योंकि ज्यादातर बंदे क्या करते हैं, पीछे से जाके इस ये जो पत्थर सा है ना भाई वहाँ पे जाके जरूर रुकते हैं। तो मैं देख रहा था ये शायद बंदे दिखें तो इनको नॉक भी करें। अब यहाँ से भाई इस बंदे में बहुत गंदी चुल मची थी स्नाइपर वाले में, इसने बहुत ज्यादा परेशान कर रखा था। अब इतनी देर में एक और गाड़ी आती है, मगर इस बार तो हम उतार ही लेते हैं। अब यहाँ पे गाड़ी पे एक बंदा और होता है भाई, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मैंने यहाँ पे अपनी फायरिंग रोक दी। मुझे लगा कि मैंने उसको भी शायद फिनिश कर दिया। अब यहाँ पर उल्टी सीधी पड़ रही थी तो यहाँ पे मुझे लेटना पड़ गया। अब मुझे लगा कि ये बंदा भी यहाँ पे फिनिश हो चुका है, तो मैंने पूरा ध्यान ही देना चाहूँ, बट जैसे ही स्मोक हुआ ना तो मैं समझ गया। और यहाँ पे भाई अपने टीममेट ने फ्लेयर मंगाई थी भाई, ये देखिए 16 बंदे बचे हैं, फ्लेयर सब मंगा मारी। अब यहाँ पे ये बंदा करता है भाई स्मोक और स्मोक करके पीछे भागने की कोशिश करता है। यहाँ पे भाई मैंने बोला ना ये कोशिश करता है सिर्फ, क्योंकि ये नाकाम हो जाता है, इसलिए भाई यहाँ पे इसको तुम नॉक कर देते हैं और टुक टुक करके भाई इसको फिनिश कर देते हैं। यहाँ पे इसको एक लास्ट हेड पड़ता है और ये सीधा लॉबी।
MG3S में उठा लूं तेरे लिए। अब यहाँ पे एक बंदा मुझे और भी दिख रहा होता तो यहाँ से ये बंदे ने क्या ही इसने पूछा। अब नाम याद रखिएगा इसका, जीशान नाम है इसका। इससे भाई आगे बहुत गंदा निपटूंगा, जब हम इसके क्लब्स पहुंचेंगे ना तो ऐसा भागेगा एकदम दबा के पूछ मत। इसने हमें नॉक तो कर दिया और एक बंदा मुझे छोटे वाले घर में दिखा है भाई सामने। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपनी हील वील कंप्लीट करते हैं और सीधा करते हैं पुश, क्योंकि अपनों को भाई अपने को भाई बस स्किल विल की भूख है। तो जहाँ पे बंदा दिखेगा वहाँ पे सिर्फ घुसेंगे ही घुसेंगे। तो यहाँ पे एक बंदा मुझे इस झोपड़ी में दिखता है, और यहाँ पे इसको एक हेड भी पड़ जाता है बहुत ही गंदा। तो मुझे पता था ये बंदा हो ना वो पीछे ज़रूर कूदेगा, और भाई साउंड आ भी जाते। अब यहाँ पे मैं पुश कर रहा था, देखिए इस बंदे की मुझे गन दिख जाएगी, ये देखिए गंदगी भाई। ये इस बंदे ने पता नहीं कहाँ ही बैठ के अपनी गन वन सब स्पॉट करा दी। अब मैंने आपको बोला था ना कि जी चार नाम का बंदा भाई वो इसी अपार्टमेंट पे है, और अब देखिए इसके साथ क्या ही सीन करेंगे ना। अरे हट लूट दी मैंने इतनी देर पूरी लगे थे, वापस जाऊंगा भी एक बार और लूटने बैग खाली करके। अब यहाँ पे मुझे लग रहा था कि एक बंदा इस वॉल की तरफ बैठा हुआ, तो यहाँ पे मैं कंफर्म करता हूँ ये नेट फेंक के। अब नेट फेंक के कंफर्म हो जाता है क्योंकि बंदा नॉक नहीं होता, इसका मतलब है भी नहीं। अब भाई सबर बहुत देर हो गया, तो यहाँ पे हम सीधा अपनी गने उठाएंगे और सीधा करेंगे इन बंदों पे भी पुश। अब ये बंदा देखिए कितनी गंदी जगह भाई, अनएक्सपेक्टेड जगह पे खड़ा होगा भाई, पूछिए मत। इतनी देर में भाई ये बंदा भाग रहा था। अभी मैं एक हार्ड स्कोप लेता हूँ, पता चलता है भाई यही थे वो माचे जिन्होंने हमने इस तरह मारी। अब भाई हम ऊपर जा रहे हो, तो ये बंदा कितना कितनी भाई गलत ही जगह खड़ा था ना कि पूछ मत। अनएक्सपेक्टेड पता नहीं क्यों ही मेरे मुंह से ये वर्ड नहीं निकला जल्दबाजी में। अब भाई होता क्या है, इस बंदे को तो ये बंदा मुझे नॉक करता है, और भाई साथ ही साथ मेरे टीममेट भाई ट्रेड में इसको भी नॉक कर देते हैं। थैंक यू। इधर हील कर, राइट में कोई है नीचे से। अब यहां पे मैं देख नहीं पा रहा था, तो सामने से एक बंदा दिखता है जिसको कि भाई मैं बॉडी हेड सब मार देता हूं मगर नॉक ही भाई, इसको बॉडी हेड सब मार दिया अपने, मगर ये नॉक होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब होता क्या है, इधर जोन आ रहा था और इधर एक बंदे के बहुत ही क्लोज से साउंड आ रही थी जो अपने क्लोज ही कहीं बैठा था। अब यहाँ से हम जैसे ही कूदते हैं ना तो एक बार और लेफ्ट से साउंड आते हैं, तो यहाँ पे मैं इस बंदे पकड़ता हूँ पुश। अब यहाँ पे जोर नहीं पड़ा, जोरों शोरों से आ रहा था, तो हमें यहाँ पे भागना ही पड़ गया। और यहाँ पे हमने इस बंदे की बग्गी उठाई, बग्गी उठा के अपनी ही भाई डासे की तरफ चलेंगे, अपनी गाड़ी तक पहुँचा देगी, फिर अपनी गाड़ी निकाल लूंगा। अब जोन में बच रहे थे तीन बंदे, मगर भाई ये जोन पता है छोटा हो जाएगा, ये बंदे मिलने का नाम ही नहीं लेंगे। अब मैं यहाँ पर भाई पूरी अपनी गाड़ी घुमा घुमा के थक गया, जिसमें कि भाई एक बंदा तो देखिए शायद जोन से ही मर जाएगा। हाँ यहाँ पे एक बंदा भाई जोन से ही मर जाता है, और भाई बाकी बचे दो बंदे जिनको कि हम ड्रोन ढूंढ के मार ही देंगे। अब यहाँ पे हम जोन की एज पे भाई अपनी गाड़ी वाड़ी घुमा रही होती है, तो इतनी देर में मुझे ये बंदा भी दिख जाता है। अब इसको नॉक करके हम इसको फिनिश नहीं करते, शायद इसका बंदा हो तो कहीं से फायर वायर दे, मगर इसका बंदा भाई इससे बड़ा कैंपर। यहाँ पर हमने इसकी छाती पे चढ़ाई गाड़ी, और फिर सीधे चले गए इस घर की तरफ। जैसे ही इस घर पे आते हैं ना तो मुझे साउंड आ जाता है कि बंदा लेफ्ट में भाग, मतलब लेफ्ट की तरफ है घर में, चल दो। तो यहाँ पे मैं सीधा पुश करता हूँ घर की तरफ, और भाई बंदा देखिए कहाँ लेट हमता है।
और यहाँ एक इजी पीजी चिकन डिनर। वीडियो में जरा यू आया तो लाइक सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा। हम लोग 500 सब्सक्राइब का बहुत ज्यादा क्लोज है, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पता करके भी